इनोवेटिव ऑटोमेटेड रिट्रैक्टेबल और रिकन्फिगरेबल सीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से 10 अलग अलग तरीकों से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है और एक बार में 6000 गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग मजे में होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। दो एक दिन से हम लोग देख रहे हैं यशोभूमि की वीडियोस। फर्स्ट वीडियो थी, उसमें थोड़ी सी हमको बताया गया था यशोभूमि एक्चुअली है क्या, और कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पर आप एग्जिबिशंस, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कर सकते हैं, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है जिस पे खर्चे की कोई वो नहीं है, मतलब लिमिट बहुत खर्चा किया है, 5400 करोड़। और उसका कल हमने विजुअल्स देखे थे उसके, बहुत सारे लोग बेसिकली लिखा था कि आज का दिन यानी 17 तारीख का दिन इसको इनॉग्रेट करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी अपनी जन्मदिन के मौके पर। तो सबसे पहले तो उनको हैप्पी बर्थडे, और आज उन्होंने कर दिया है इसको इनॉग्रेट। लेकिन लोग ये कह रहे थे कि बेसिकली है ये दिल्ली में नहीं है, ये गुजरात में। अब ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि अगर वो इनॉग्रेट दिल्ली में कर रहे हैं तो ये गुजरात में, कुछ समझ नहीं आया। बाकी आप हमें बता सकते हैं कि गुजरात और दिल्ली के बीच में कोई हो, पता नहीं। अब लेकिन द्वारका, द्वारका लिखा हुआ था, हाँ। बाकी इसको देख लेते हैं, हमारे पास एक वीडियो है, इंडियाज पेनिकल ऑफ कन्वेंशन एक्सेलेंस पीएम मोदी, यशोभूमि इसका नाम है। काफी खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर था, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यशोभूमि डेडिकेटेड टू द नेशन बाय श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, द्वारका न्यू दिल्ली। दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो आज दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए है आशा और विश्वास भरा ब्राइट स्पॉट। भारत जहां 140 करोड़ सपने हैं और 140 करोड़ धड़कनों का एकजुट सामूहिक सामर्थ, जहां आज सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के लिए समर्पित एक अभूतपूर्व और युग दृष्टा नेतृत्व है। आज का नया भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप लगातार एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत विश्व पटल पर भविष्य के अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाए और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए विश्व मित्र के रूप में उभरे। ये सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर, एक एक्सपो सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के व्यापार कारोबार का एक जीता जागता वाइब्रेंट केंद्र होगा। इस व्यापक विजन को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में जिस परिकल्पना की आधारशिला रखी थी, आज यशोभूमि के रूप में साकार हो चुकी है। 221 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े मीटिंग, कन्वेंशन और एक्सपोशन की सुविधा से युक्त केंद्र में से एक है। यशोभूमि इंटीग्रेटेड डिजाइन का मास्टरपीस है। इसके केंद्र में आइकॉनिक कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें अलग अलग आकार के 15 कन्वेंशन रूम कुल 11,000 प्रतिनिधियों की मेजबानी आसानी से कर सकते हैं। प्राइमरी ऑडिटोरियम में इनोवेटिव ऑटोमेटेड रिट्रैक्टेबल और रिकन्फिगरेबल सीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से 10 अलग अलग तरीकों से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है और एक बार में 6000 गेस्ट बैठ सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग अलग कमरे हैं। ग्रैंड बॉलरूम में 2500 लोग बैठ सकते हैं। यशोभूमि में है विश्व के कुछ सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल। ये हॉल 28,000 वर्ग मीटर से 32,000 वर्ग मीटर आकार के हैं, यानी हर हॉल 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस कन्वेंशन सेंटर में भारत का सबसे बड़ा एलईडी मीडिया फसाद है। यहाँ 3,000 से अधिक कारों को अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा है। यशोभूमि का पर्यावरण अनुकूल परिसर IGBC प्लैटिनम रेटिंग वाला है। सौर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की व्यवस्था से युक्त
यह केंद्र सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की भी मिसाल है। आईजीआर एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर स्थित यशोभूमि तक अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेट्रो और परिसर के भीतर स्थित मेट्रो स्टेशन में से किसी भी माध्यम से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से भारत में दुनिया के बड़े से बड़े एग्जीबिशन का आयोजन संभव होगा। इससे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और पर्यटन से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक विविध सेक्टर्स में नए मौके बनेंगे। तेजी से विकसित होते भारत की इस गतिमान विकास यात्रा में यशोभूमि निश्चय ही एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। कमाल है, कमाल, बहुत बहुत अमेजिंग यार। 2018 में पीएम मोदी ने इसको स्टार्ट किया था और अब जाके इसका बेसिकली और अब कंप्लीट हो गया है, और जो चीज़ वो बोलते हैं वो करके दिखा देते हैं, ये हमारे सामने है। मैंने हमेशा बोलता है कि इंडिया में जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनता है उसमें जॉब्स भी निकलती हैं लोगों के लिए। उन्होंने बोला रोजगार भी होगा, ट्रेडिंग को भी, और हाँ ट्रेडिंग को भी होगा, और सिर्फ एग्जीबिशंस या कॉन्फ्रेंसेस नहीं है। और दूसरा ये है कि वो सीटिंग देखी कि अपने हिसाब से मर्जी है उसको 10 अलग तरह कर सकते हैं। और हमें ये भी बताया कि बॉल रूम में 3200 गेस्ट आ सकते हैं, तीन हज़ार गाड़ियों की जगह है। इंटीरियर देख के दिल खुश होता है, एक्सटीरियर देख के साथ उसकी नेचर है, बहुत ग्रीनरी है, सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन, एक मीटिंग रूम बना हुआ है, हाँ बहुत प्यारा, एक एलईडी लगी हुई है, हाँ तो इतना प्यारा है कि देखने को दिल करता है। और स्पेशियस है, हाँ, और छतों पे जो वो हमने कल ही भी बात की थी, इतनी खूबसूरत, इको फ्रेंडली भी कुछ बता रहे हैं, इको फ्रेंडली, हाँ सब जो सिस्टम लगाया इको फ्रेंडली है उसमें, और बाहर स्क्रीन पे कुछ भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। एंड मतलब है कि इसमें भी इन्होंने ये बोला कि एक के बाद एक तरक्की होती जा रही है, और इस चीज़ में कोई दोहराए नहीं है, इस चीज़ को हम भी मानते हैं, ये फैक्ट है कि एक के बाद एक तरक्की हो रही है और वो चीज़ नज़र आ रही है, तो ये बहुत ही अच्छी है। और दुनिया की पांचवीं बड़ी इकोनॉमी जो कि बहुत जल्द तीसरी हो जाएगी, हमने एक वीडियो देखी थी और दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं, बहुत प्यारी वीडियो है, बहुत खूबसूरत है। आपके क्या ख्याल आते हैं यशोभूमि को लेकर हमें जरूर बताइएगा, रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और हमारे ब्लॉग चैनल जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे डेली नई नई डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखें।